नमस्कार साथियों, मैं नवीन कुमार आज आप लोगों को अनुवांशिकी क्या है और उसकी शाखा और अनुवांशिकी का आधुनिक कृषि और चिकित्सा में कैसे हम उपयोग कर रहे हैं हम लोग आजकल, उसके बारे में बताने जा रहे हैं। देखिए, अनुवांशिक शब्द जो है वो जेनेटिक्स इंग्लिश में कहते हैं, और जेनेटिक्स शब्द को सबसे पहले उपयोग जो किया गया है W. बैट्सन ने 1905 में किया है। और जेनेटिक शब्द की उत्पत्ति जो है वो ग्रीक वर्ड जिनॉस से हुई है, जिसका मतलब लैंड रेस होते हैं, काइंड होते हैं, और प्रोजेनी होता है, और टू बिकम, टू ग्रो जैसे शाब्दिक शब्दों से है। अनुवांशिकी के पिता जो हैं वो मेंडल कहे जाते हैं, और मेंडल ने काम किया अनुवांशिकी पे, और उनके कार्यों को 1900 ईस्वी में पुनः खोज की गई तीन वैज्ञानिकों के द्वारा, डिबेरिस, कॉरेंस और सेमार्क ने, और तब से अनुवांशिकी को और भी गति मिली। अनुवांशिकी जो है वह जीव विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत किसी भी जीव के अनुवांशिकता और उसकी विविधता का अध्ययन किया जाता है। अब हम ये जाने कि अनुवांशिकता क्या है और विविधता क्या है। अनुवांशिकता मतलब कि किसी भी लक्षण को पिता से पुत्र में स्थानांतरित करना, एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में लक्षणों का स्थानांतरण जब होता है तो हम उसको अनुवांशिकता या हेरिडिटी कहते हैं। जनकों से गुणों का संचरण, और गुण अथवा लक्षण का तात्पर्य किसी भी जीव के मॉर्फोलॉजिकल, बायोकेमिकल और एनाटॉमिकल तथा उसका बिहेवियर विशेषता से है, और जीन जो है वो लक्षणों को नियंत्रित करता है, और लक्षणों को नियंत्रित करने की एक कार्यात्मक इकाई को हम जीन कहते हैं। जब जीन एक लक्षण को, एक या दो जीन किसी एक लक्षण को नियंत्रित करते हैं तो उसे हम अल्पजीनी लक्षण कहते हैं। अल्पजीनी लक्षणों में गुणात्मक लक्षण आते हैं, जैसे आप ये कह सकते हैं कि धान की सुगंध है, किसी फसलों की सुगंध है, और रोग प्रतिरोधी क्षमता है, कीट प्रतिरोधी क्षमता है, पाला प्रतिरोधी क्षमता है, ये सारी चीज़ें का सामान्यतया से अल्पजीनी लक्षणों के द्वारा नियंत्रित होते हैं। और बहुजीनी लक्षण में बहुत सारे जीन मिलकर किसी एक लक्षण, एक या दो लक्षण को क्या करते हैं, नियंत्रित करते हैं, तो इसको हम बहुजीनी लक्षण कहते हैं, और इसे मात्रात्मक लक्षण कहते हैं। और मात्रात्मक लक्षण वे होते हैं जिन्हें हम माप सकते हैं डेसिमल या मैट्रिक प्रक्रियाओं में, तो माप सकते हैं। तो मापते क्या क्या हैं, पौधे का हाइट माप सकते हैं, दाने का वजन नाप सकते हैं, माप सकते हैं, और पत्ती की चौड़ाई, पत्ती की लंबाई, ये सारी चीज़ें आती हैं, फल का साइज कितना लंबा है, ये सब मात्रात्मक लक्षण के अंदर आता है। मात्रात्मक लक्षण मतलब बहुत सारे जीन मिलकर किसी एक लक्षण को नियंत्रित करते हैं। अब यहाँ अनुवांशिकता ये है, और विविधता, विविधता तीन प्रकार की होती है। एक होती है अनुवांशिक विविधता, वातावरणीय विविधता, और तीसरी होती है अनुवांशिक और वातावरणीय विविधताओं के बीच में इंटरैक्शन के द्वारा उत्पन्न विविधता। तो पहला अनुवांशिक विविधता, किसी जीव के अनुवांशिक अंतर होने के कारण जो विविधता होती है उसे हम अनुवांशिक विविधता कहते हैं, और ऐसी विविधता पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानांतरित होती रहती है। वातावरणीय विविधता, ये वातावरणीय कारकों के कारण उत्पन्न होती है। दो जीवों के समान जीन प्रारूप, जीन प्रारूप मतलब उसके अनुवांशिकी में एक ही जैसे जीन के संगठन को भी हो, यदि तो भी यदि वातावरण में परिवर्तन आता है तो उस जीव में भी परिवर्तन आ जाती हैं, असमानताएँ आ जाती हैं। और तीसरा है वातावरणीय विविधता और अनुवांशिक विविधता के अनुनयन के कारण, कि
इंटरेक्शन होता है जीन और इन्वायरमेंट के बीच में, तब जीवों के आकार के रूप में परिवर्तन आते हैं और उनमें मात्रात्मक परिवर्तन देखने को मिलता है, जैसे लंबाई में, हाइट में, दानों के साइज में, वजन में, इस तरीके के विविधताएं देखने को मिलती हैं जीन और जेनेटिक आपके जीन प्ररूप की विविधता में और वातावरणीय विविधता में। हम यहाँ अब ये जाने कि एक दूसरे शब्दों में हम इसे समझ सकते हैं आनुवंशिकी को, कि जीन की जेनेटिक्स आनुवंशिकी जीव विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम किसी भी जीवों के कोशिकाओं में उपस्थित जीन के संरचना, संगठन और उसके कार्य का अध्ययन करते हैं। इसे भी हम आनुवंशिकी कहते हैं। आनुवंशिकी की शाखाएं, आज आनुवंशिकी की बहुत सारी शाखाएं हो चुकी हैं, जो जो विज्ञान प्रगति कर रहा है उतनी नित्य नए नए शाखाओं का निर्माण होता जा रहा है। और आनुवंशिकी की शाखाओं में हम पादप आनुवंशिकी की बात करेंगे। पादप आनुवंशिकी बच्चों हम ये समझ सकते हैं कि पौधे के लक्षणों के वंशागति का अध्ययन करना, पौधों के पादप स्पीसीज के लक्षणों के वंशागति का अध्ययन करना पादप आनुवंशिकी कहा जाता है, और जंतुओं के लक्षणों के आनुवंशिकता का अध्ययन करना जंतु आनुवंशिकी कहा जाता है, और आणविक आनुवंशिकी पदार्थों के आणविक संरचनाओं के अध्ययन करने वाले विज्ञान को आणविक आनुवंशिकी कहते हैं। साथ में मात्रात्मक आनुवंशिकी क्या है? मात्रात्मक लक्षणों की वंशागति के अध्ययन को मात्रात्मक आनुवंशिकी कहते हैं। कोशानुवंशिकी क्या है? कोशानुवंशिकी में आनुवंशिकी और कोशा विज्ञान के सह संबंध के अध्ययन करने वाले विज्ञान को कोशानुवंशिकी कहते हैं। अब कोशिका विज्ञान, यहाँ मैंने बात की, तो कोशिका विज्ञान क्या है? कोशिका विज्ञान कोशिका के संरचना, उसके कार्य और उसके संगठन के अध्ययन को कोशिका विज्ञान कहते हैं। और साथ में आनुवंशिकी, आनुवंशिकी में जीन के संरचना, जीन का कार्य और जीन का संगठन और इन दोनों के सह संबंधों के अध्ययन को कोशिका आनुवंशिकी कह सकते हैं। ऐसे आप इसको समझिए। फिर पॉपुलेशन जेनेटिक्स, जिसको हम समष्टि आनुवंशिकी कहते हैं। पॉपुलेशन में कालांतर में जीन की बारंबारता के परिवर्तन के विश्लेषण का अध्ययन हम करते हैं, तो उसे हम लोग समष्टि आनुवंशिकी कहते हैं। और जैव रसायन की आनुवंशिकी, जीन द्वारा लक्षण पैदा करने की क्रियाविधि में एंजाइम के जैव रासायनिक अभिक्रिया का नियंत्रण करता है, और इस प्रकार के अध्ययन को ही जैव रसायन की आनुवंशिकी का आधार माना जाता है, और इसे हम जैव रसायन आनुवंशिकी कहते हैं। विकिरण आनुवंशिकी, इसमें गुणसूत्र और जीन के ऊपर विभिन्न प्रकार के विकिरणों के उपचार से जब करते हैं तब उनका हम प्रभाव देखते हैं। जीन और गुणसूत्र के ऊपर विभिन्न प्रकार के विकिरणों के प्रभाव के अध्ययन को हम रेडिएशन जेनेटिक्स कहते हैं। मूलर को रेडिएशन जेनेटिक्स का फादर कहा जाता है। ईयूजेनिक्स क्या है फिर? ईयूजेनिक्स या एक आनुवंशिक अनुप्रयोग मनुष्य के बेटरमेंट के लिए, मानव जाति के बेटरमेंट के लिए जब हम आनुवंशिकी के मूल सिद्धांतों का अनुप्रयोग करते हैं तो उसको हम ईयूजेनिक्स कहते हैं। मेंडेलियन जेनेटिक्स, जिसको हम क्वालिटेटिव जेनेटिक्स भी कहते हैं, या क्वालिटी करेक्टर मतलब गुणात्मक लक्षणों के वंशागति के अध्ययन को हम क्वालिटेटिव या मेंडेलियन आनुवंशिकी कहते हैं। फिर एक और आती है क्वांटिटेटिव जेनेटिक्स, मात्रात्मक। इसमें बहुत सारे जीनों के द्वारा जब किसी एक लक्षण को का
लक्षण का प्रदर्शन होता है और इनके जो आनुवंशिकी इनके आनुवंशिकता का अध्ययन जब हम करते हैं तो इसे हम क्वांटिटेटिव जेनेटिक्स कहते हैं। इसे बायोमेट्रिकल जेनेटिक्स भी कहा जाता है और एस्टेटिकल जेनेटिक्स भी कहा जाता है, मैथमेटिकल जेनेटिक्स भी कहा जाता है। ईयूफेनिक्स ईयूफेनिक्स क्या है? ईयूफेनिक्स जो है जब किसी भी जन्मजात बीमारी या उपापचयी ईरर को जब हम उसके आनुवंशिकता का अध्ययन करते हैं और उसे कंट्रोल करने के लिए जो भी तकनीक सीखते हैं तो उसे हम ईयूफेनिक्स कहते हैं। जीनोमिक्स, जीनोमिक्स क्या है? ये भी एक बहुत आजकल जीनोमिक्स रिसेंट कॉन्सेप्ट है सारे। तो जीनोमिक्स जो है वह किसी भी जीव के जीनोम का संरचना और उसके कार्य और उसकी तुलना का अध्ययन जब हम करते हैं तो इसे हम जीनोमिक्स कहते हैं। ठीक इसी प्रकार से प्रोटियोमिक्स है। तो प्रोटियोमिक्स क्या है? प्रोटियोमिक्स किसी भी जीवित जीव के अंदर उसके प्रोटीन, जितने भी प्रकार के प्रोटीन हैं उनका अध्ययन को हम प्रोटियोमिक्स कहते हैं। और लास्ट मेटाबोलोमिक्स, किसी भी जीवित जीव के अंदर उसकी उपापचयी प्रक्रियाओं के अध्ययन को मेटाबोलोमिक्स कहते हैं। बायोइन्फॉर्मेटिक्स, नैनोटेक्नोलॉजी इत्यादि सब भी आजकल की रिसेंट शाखाएं हैं जेनेटिक्स की। अब हम आते हैं जेनेटिक्स के अनुप्रयोग पे। जेनेटिक्स का अनुप्रयोग चिकित्सा के क्षेत्र में क्या है? चिकित्सा या आधुनिक चिकित्सा या आधुनिक कृषि में जेनेटिक्स का उपयोग हम इस प्रकार करते हैं कि जेनेटिक्स से आज हम नई नई किस्में संकरण के द्वारा बना रहे हैं। संकरण के द्वारा बनाने से जो भी हमें प्राप्त हो रहा है हाइब्रिड, वो काफ़ी उपज प्राप्त हो रहा है। इससे हम रोग प्रतिरोधी क्षमता, कीट प्रतिरोधी क्षमता, इन सब का विकास कर रहे हैं और हम सूखा रोधिता, पाला रोधिता, लवण सहिष्णु, रोगानुरोधिता, विषानुरोधिता, जीवाणुरोधिता, पकने की अवधि कम करना, पकने की अवधि ज़्यादा करना, सेटरिंग जैसी समस्या, सिंक्रोमनस मैच्योरिटी जैसी चीज़ों को एक साथ पकना, एक साथ तोड़ना, इस तरीके की चीज़ें हैं। गुणवत्ता है, ब्रांचिंग ज़्यादा से ज़्यादा चाह रहे हैं, कम जो उसका साइज है उसको हम कम कर दे रहे हैं, ब्रांच ज़्यादा कर दे रहे हैं, हाइट कम कर दे रहे हैं, हाइट अपने अनुसार से ज़्यादा कर रहे हैं अपनी आर्थिक लाभ के दृष्टिकोण से, कलर चेंज कर दे रहे हैं। आप देखते होंगे पीला काला टमाटर या कलर में भी काफ़ी ज़्यादा विविधता ला रहे हैं। ये सारे चीज़ जो है वह जेनेटिक्स की सहायता से ही हम फसलों में आनुवंशिक सुधार कर रहे हैं। और चिकित्सा के क्षेत्र में आनुवंशिकी का योगदान, आनुवंशिकी की सहायता से वंशानुगत रोगों की पहचान, जीवन के शुरुआती दौर में ही पता लगाकर उसका उपचार कर लिया जाना, बैक्टीरिया फुफूद द्वारा एंटीबायोटिक्स दवाइयां तैयार की गई। मित्रों, आज कोरोना वायरस का प्रकोप चल रहा है और कोरोना वायरस में के प्रकोप को कम करने के लिए भी आनुवंशिकी जेनेटिशियन की जरूरत पड़ रही है, जिसमें वह डीएनए और आरएनए के डीपली अध्ययन करके वह कोरोना से लड़ने के लिए वो अपना कोरोना जैसे महामारी से लड़ने के लिए वैज्ञानिक दिन रात लगे हैं जेनेटिशियन लोग। विकास की आनुवंशिकी के योगदान में आप देखते हैं कि हम विकास के क्षेत्र में आनुवंशिकी का योगदान में हम आज म्यूटेशन ब्रीडिंग है, पॉलीप्लॉयडी है, जीनों का इंटोग्रेशन है, ऑप्टिटिकल मनुष्य द्वारा बनाया गया अनाज आनुवंशिकी का ही मुख्य देन है। आप ऑप्टिटिकल्स हो गए और अन्य बहुत सारी किस्में जो हैं सिलेक्शन पॉलीप्लॉयडी ब्रीडिंग के द्वारा भी डेवलप की गई है और बीज रहित फल का निर्माण हो रहा है। खीरा तरबूजा में बिना बीज का फल डेवलप हो रहे हैं। और वर्गीकी के क्षेत्र में भी आनुवंशिकी का योगदान है, जैसे आनुवंशिक लक्षण जैसे गुणसूत्र संख्या, आकार वर्गी के लिए बहुत जरूरी है। गुणसूत्र संख्या के आधार पर पौधों का वर्गीकरण कर सकते हैं आप।
गुणसूत्र आकार निर्धारित करते हैं, किसी जीव के लक्षण आदिकाल के हैं कि आधुनिक काल के हैं, और सूत्रन के समय गुणसूत्रों का युग्मन और माता पिता के निकटता का पता चलता है। आप आजकल एक चीज और है कि आप किसी का पुत्र है या नहीं है, इसका कन्फर्मेशन के लिए भी आप अनुवंशिकी का उपयोग कर रहे हैं। साथ में संकर किस्म है कि नहीं है, इसकी भी पहचान हम अनुवंशिकी के द्वारा कर रहे हैं, और रिसेंट टेक्निक जैसे प्रोटियोमिक्स, जीनोमिक्स, बायो इन्फॉर्मेटिक्स, ये सारी चीज़ें ईयूजेनिक्स, ईयूफेनिक्स मॉडर्न कॉन्सेप्ट हैं। इन कॉन्सेप्टों से मनुष्य बहुत ज़्यादा बढ़ती हुई जनसंख्या को भोजन उत्पादन कर लोगों को उदर पोषण कर रहा है, और बहुत तरीके की बीमारियों से भी हम जेनेटिक्स के अध्ययन से बच रहे हैं। इस तरीके से अनुवंशिकी का अध्ययन काफ़ी महत्वपूर्ण है आने वाले दिनों में भी, पहले भी, और अनुवंशिकी के बेसिक सिद्धांतों को, बेसिक विधियों को जानना बहुत ही ज़रूरी है। धन्यवाद मित्रों।